सुबह से एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। इस औरत की सारी हकीकत जानने के बाद भी मुझे इसके साथ इतने प्यार से पेश आना पड़ रहा है, क्या करूं मैं? इस फोन की आउटगोइंग बंद है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे अलावा किसी से भी बात करें, और जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं आपके साथ होंगी, है ना? आप तैयार हो जाइए, मैं लंच के लिए आपका इंतजार करती हूँ। हेलो, हाँ हाँ आ रही हूँ। तुम लोग एक काम मेरे बगैर नहीं कर सकते। आ रही हूँ बस। मिसबा हवा से दुपट्टा उड़ सकता है लेकिन किताब नहीं। क्या हो, ये क्या कर रही हो? बॉइल वेजिटेबल्स। आपकी सेहत का खास ख्याल रखने के लिए ये मैंने आपके लिए बनवाया। मुझे नहीं चाहिए।
I'm fine. No, seriously, I'm fine. मैं boiled vegetables नहीं खाता. कैसे नहीं चाहिए? आइए. अब क्या हुआ? खाते वक्त पानी नहीं पीते. पहले खाना खत्म कीजिए, फिर पानी पी लीजिएगा. ऑफ कोर्स. मैंने सुना है एक अंग्रेजी फिल्म लगी है, आप दोनों जाकर देख के क्यों नहीं आते? अंग्रेजी फिल्म? चले तो जाएंगे, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी अंग्रेजी. इस आदमी ने ना मेरा जीना हराम करके रख दिया है. वो थोड़े गवार टाइप के है ना, समझ में नहीं आएगी. तुम बड़ी क्वीन विक्टोरिया हो. आई कैन वॉक, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई एम जेंटलमैन. और हाँ, मैंने सभी अंग्रेजी फिल्में देखी है. जब वो हिंदी में डब होकर आती है, वो क्या है ना कि हम दोनों आप लोगों को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा जाइए तो जाइए. और हाँ, अपने साथ नाजिया को भी लेके जाइए, उसे भी अच्छा लगेगा. या अल्लाह, अब क्या रहा था इसका? उम्र के साथ साथ ना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, और ये बुढ़िया तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है. सुबह भी ये दरवाजा खुला था और अभी भी ये चाबी लटक रही. इसका मैं क्या करूं? आई आई तशरीफ लाई. मेरी गन कहाँ है? गन? मेरी गन? मुझे नहीं मालूम. नहीं पता, जो पूरी दुनिया को उल्लू बनाती है वो तो उसे उल्लू बना रही हूँ. मैंने पूछा मेरी गन कहाँ है. मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ. अल्लाह की कसम, मुझे मेरी बेटी की कसम. बकवास मत कर. तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी गन गायब हुई है. तुझे नहीं पता कैसे गायब हुई? ये दरवाजा कैसे खुला था? इसमें चाबियां कैसे लगी थी ताले में? वो तुम्हारे चाहते मैंने खुद अपने हाथों से वहां पे ताला. हाँ तो फिर खोल कैसे गया? जब तुम्हें मेरी आंख लग गई, मैं सो गई थी. चाबी किसने? मुझे कुछ नहीं पता. मैंने खुद देखा था ये सो गई थी. कान कहाँ जा सकते? We'll be right back.
आइए मेरे साथ। अरे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? तो अरे ऐसा हम ये बताइए कौन सी साड़ी पहनूं, ये या फिर ये? क्यों, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? आई मीन ये साड़ी किस लिए है? आपको क्या लगा आज मैंने सबको घर से बाहर क्यों भेजा है? एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता है। या मैं सब कुछ भूलकर आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। लेकिन लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे में हम दोनों यू नो मैंने सब पढ़ा है। शुरू के कुछ महीनों में मियां बीवी के बीच ताल्लुकात होने से कोई परेशानी नहीं होती। इतने वक्त बाद आज आपने मुझे दिल से कबूल किया। आज मोहब्बत की जीत होगी और हम खुशी मनाएंगे। आज की रात मिलन की रात। आपका एक जर्रा भी मुझे मुकम्मल करने के लिए काफी है। फिर इस बच्चे को कब कितने महीने का होना चाहिए ये मैं खुद देख लूंगी। शाद बीना, इतने फोन कर चुकी हूं और एक भी नहीं उठाया।
You've gone. जन्नत, 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 शाद, शाद मैंने आपको इतनी बार फोन किया, आपने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। I'm really sorry जन्नत, मैं मीटिंग में था, but हुआ क्या? और मैं सो कैसे गई? मैं तो आपको फोन ट्राई कर रही थी लगातार। That's absolutely fine, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतने सारे कॉल्स, आई मीन हुआ क्या? मुझे आपको कुछ दिखाना है शायद। क्या? एक रिवॉल्वर। व्हाट? और वो भी मुझे मिसबा के कमरे में से मिली। रुकिए। जन्नत, नहीं रखी थी। एक मिनट, शशि कपूर के कपड़े तुम्हारे अलमारी में? शाकिर, ये मेरी अलमारी में किसने रखे? मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में, ये कहा? यही रखी थी मैंने शायद, वो मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी में रखी थी और मुझे अच्छी तरह से याद है वो किताब थी, किताब में थी वो। एक मिनट, what are you talking about? Book, gun? शायद एक किताब थी मिसबा के पास और वो गन, मतलब मैं खुद। Calm down, ध्यान से सोचो। देखिए शायद आपको याद है जब हम चांद बीबी के मकबरे पे गए थे, वहां पे मिसबा एक किताब पढ़ रही थी। मुझे मिसबा पे पहले से ही शक था, इसलिए मैं उसके कमरे की तलाशी लेने गई। वहां पे मुझे वही बुक मिली और गलती से जब मैंने उस बुक को खोला, उसमें एक गन थी जो शायद मैंने खुद ली। और एक मैंने औरत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है जन्नत, लेकिन आप तो खुद एक औरत है, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मिसबा प्लीज, शायद आप तो रहने दीजिए प्लीज, और जन्नत आप मुझे बख्श दीजिए, अल्लाह के वास्ते बख्श दीजिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार आप मुझे क्यों ठहरा रही है? तुम अपनी ये नौटंकी बंद करो, समझी? और तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ। किसको ये सब एक्टिंग करके दिखा रही हो तुम अच्छा होने की? हाँ, मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम और फुप्पो दोनों झूठ बोल रहे हैं। खबरदार जो आपने मेरी अम्मी के बारे में कुछ भी कहा था, अभी तो आप मेरी इज्जत निराम कर रही थी, अब मेरी अम्मी पर भी इल्जाम लगाने लगे? रियली? खबरदार तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, अपनी ये नौटंकी और ड्रामेबाजी बंद करो, क्योंकि यहाँ पे अब कोई तुम पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सबको मैं तुम्हारा सच बताने वाली। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी अम्मी से किस तरह पेश आते हो। बस करो तुम लोग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ना तो आपने कुछ किया ना ही आपने, किसी ने कुछ किया तो वह शशि कपूर। मैं जानता हूं उसने ये सब क्यों किया है, और वो मुझे बार बार यही एहसास दिला रहा है कि मेरे इतने पास होकर भी मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। शशि कपूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शायद आप मुद्दे से हट रहे हैं, यहां बात ये हो रही है कि ये लड़की झूठी है और सबको धोखा दे रही है। शायद जनत, मेरी बात सुने। मुझे कहा था कि इसे खाना बनाना आता है, लेकिन इसे खाना बनाना नहीं आता है। हर बात पे ये लोग झूठ बोलते हैं। किसी बहकी-बहकी बातें कर रही है शादी है। मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने इनके बारे में जो कुछ भी कहा था वो सही कहा था। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगे। इसका मतलब ये कि जो हकीकत में है नहीं, उसे वो तसव्वुर करने लगे।
एक मिनट जन्नत, एक मिनट शाह, क्या कहा था डॉक्टर ने? जन्नत मेरी बात, जन्नत लिसन टू मी, शादी क्या है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? प्लीज शाह, मुझे कुछ नहीं हुआ। शशि कपूर के रास्ते में आने का अंजाम क्या होता है तुम्हें अब पता चलेगा। तुम मुझे फंसाने चली थी ना, मैंने तुम्हें ही फंसा दिया।